हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे दिल्ली में नई वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना। देख लेते हैं, 1-6 का नोटिस है लेकिन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 15-7-2021 से होंगे, तो अभी तो काफ़ी टाइम है डेट स्टार्ट होने में, तो आप ध्यान रखना, रिमाइंडर लगा लेना। वैसे तो ऑनलाइन वगैरह आई जाएंगी। लास्ट डेट क्या है? 14-8 है। बहुत पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, 1.5 महीने के पहले। ठीक है, यहाँ पे देख लेते कौन कौन सी पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है और आपका जूनियर अकाउंटेंट है। एक पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे आम आता है जूनियर असिस्टेंट पे। एज आपको पता ही है, एज चाहिए यहाँ पे 27 साल। कब तक होनी चाहिए? यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे रखी है, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, ठीक है, 14-8-2021 यहाँ पे, जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए कंप्यूटर में प्रोफेंसी, मतलब क्या नाम, प्रोफिशियंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, कि मतलब कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ठीक है। वाईफाई वगैरह आना चाहिए और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन, इथरनेट, आर्किटेक्चर, विंडो, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने क्या तो इतना टफ दिया लेकिन इतना कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा नेटवर्किंग पूछ लेंगे, बेसिक पूछ लेंगे, वर्ड एक्सेल वगैरह यही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट, मैंने आपको बता दिया सेम। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए मैथ और स्टैटिक्स के साथ, और यहाँ पे वही है बाकी चीज़ें तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि वैकेंसी वगैरह टोटल 30 है वैसे तो वैकेंसीज में, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, जिसमें से जनरल की 5 है, SC की 6 है, ST की 3 है और OBC की 16 है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा, SC ST यहाँ पे 5 साल है, OBC 3 साल है, PWD अगर जनरल है तो 10, OBC है तो 13, SC ST है तो 15, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में यहाँ पे एग्जाम होगा। 200 नंबर का पेपर है और 200 ही क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, ठीक है। 3 घंटे का है, 180 मिनट का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ काम तो आते नहीं है, कुछ काम की चीज़ नहीं होते क्वालिफाइंग मार्क्स। उसमें क्या होता है भाई, मेरिट जाती है उसके बिहाफ पे होता है। जूनियर असिस्टेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता ही दिया है यहाँ पे। उसके बाद पहले आपकी ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 में यहाँ पे क्या है, स्टेज 2 यहाँ पे आपकी 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स में से टोटल ड्यूरेशन इसमें क्या नाम है, 75 मार्क्स है, 75 मिनट, 15 मिनट टाइपिंग के लिए होगा, जो बाकी के 60 मिनट है वो आपका जो कंप्यूटर का बेसिक जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल टेस्ट दोनों एक ही साथ यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट, ये आगे यहाँ पे सेक्शन नेम, जो भी आपका एग्जाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि GK 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर, ठीक है, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे 4 सेक्शन है, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर बहुत कोई पूछे सेक्शनल कट ऑफ जाएगी तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, ना कोई सेक्शनल टाइम मिलेगा। जैसे DSSB में होता है सेक्शनल टाइम, मतलब वो होता है कि आपको जब तक आप एक स्किप करोगे जब उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट देना तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल PDF में यहाँ पे इन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक दे रखा है, ताकि आपको मतलब एक आइडिया हो जाए। स्टे फाइनल मेरिट इन्होंने दे रखी है, दोनों को मिला के यहाँ पे फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ काम के होते नहीं है, मैंने आपको सारे बता ही दिया। फीस वगैरह क्या है, फीस है यहाँ पे 1500 रुपये OBC जनरल प्लस 18% GST, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं, क्या नाम है, SC ST के यहाँ कोई फीस नहीं है, आप देख सकते हो। अगर हम मैंने इसका देखा 1500 प्लस 1800 तो 2270 रुपये हो गया, तो 1770 रुपये यहाँ पे फीस हो गई आपकी, ठीक है। SC ST PWD वुमेन की यहाँ पे कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है सारा, ठीक है। फीस वगैरह फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 15-7-2021, ठीक है, यहाँ से फॉर्म भरे, इतने तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 14-8 डेट है। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। कोई भी फिर भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ मुझे बताना हो आपको कि यहाँ वैकेंसी है, कुछ भी बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।